मार्वलस कोचिंग मेन रोड पड़वा मोड पलामू, एसएससी रेलवे बैंकिंग कंप्यूटर कोर्स आदि की तैयारी के लिए संपर्क करें। प्रसिद्ध न्यूज चैनल तलाश टीवी न्यूज और पलामू प्रमंडल का पहला न्यूज पोर्टल तलाश टीवी न्यूज पलामू, जो कि सबसे सटीक जानकारी लोगों के बीच प्रस्तुत करते आ रहा है। यही कारण है कि आज लोगों का सबसे लोकप्रिय चैनल के रूप में तलाश टीवी न्यूज जाना जाता है। आज कोरोना के संकट घड़ी में जहां लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, कुछ कर्मवीरों ने अपने जान की परवाह किए बिना समाज सेवा में लगे हुए हैं। तलाश टीवी सलाम करता है उन पर कर्मवीरों का जो जन कल्याण में लगे हैं। उन्हीं लोगों में शामिल है देश का सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद और विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल, जिनके कार्यों को देखते हुए तलाश टीवी न्यूज चैनल पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल को कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया, जिसमें तलाश टीवी द्वारा जारी एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और तलाश टीवी न्यूज परिवार उन्हें बधाई दिया। पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल कोरोना के संकट घड़ी के समय के साथ साथ शुरू से ही समाज के प्रति अपना लगाव बना रखा है। उन्होंने कोरोना के समय बाहर में फंसे मजदूरों को कई हजारों रुपए देकर मदद की है। वहीं उन्होंने पीएम केयर के खाते में भी पैसा भेजा, जिससे लोगों को मदद हो सके। वहीं उन्होंने लॉकडाउन में खुद लोगों के बीच जाकर अपनी निजी खर्च से राशन वितरण किया। उन्हें समाज के साथ पर्यावरण से बहुत लगाव रहा है। उनका कहना है कि वनों की रक्षा लाठी से नहीं वन राखी से होगी। पर्यावरणविद कौशल 1966 के महाकाल को झेलने के बाद वे पौधा लगाने और वन एवं प्रकृति को बचाने की शुरुआत की थी। जब 10 वर्षों के बाद उनके लगाए गए पौधे वृक्ष के रूप में कटने लगे तो उसे रोकने के लिए उन्होंने 1977 में पर्यावरण धर्म के तहत वन राखी मूवमेंट चलाया। इस अभियान को अब तक नेपाल भूटान समेत देश के 20 राज्यों से 77 जिलों तक पहुंचाया। विश्व के दर्जनों देशों से बाहर के गया में श्राद्ध के लिए आए श्रद्धालुओं और बौद्ध भिक्षुओं से मिलकर उन्हें पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों की पाठ पढ़ाने के साथ अपने खर्च पर 29 लाख पौधों का वितरण कर सहरोपण किया। उन्होंने अपने मुहिम के संदेश को लोगों को दिया। वो कहते हैं कि सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे साथ पीढ़ी तक जाओगे।